विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। विदिशा जिले में सरपंच और अधिकारियों की लाल फीताशाही। गरीब बुधराम को नहीं दी पंखा, गेट और सफाई की जानकारी। विदिशा जिले के ग्राम घाट खेड़ी में 24 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने ग्राम घाट खेड़ी निवासी बुधराम आदिवासी के यहाँ भोजन किया और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बुधराम ने बनाया था उसका शुभारंभ किया। चूंकि राज्यपाल का दौरा था इसलिए आनन फानन में स्थानीय प्रशासन अधिकारी और सरपंच ने बुधराम के घर की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई। एक घर के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे घर के गेट, पंखा इत्यादि। साथ ही मजदूरों को बुधराम के घर आसपास सफाई करा दी गई मजदूरों के द्वारा। कुछ समय बाद बुधराम को लगा कि घर में पंखा निकाल लिया गया है। राज्यपाल के कार्यक्रम के बाद जो सफाई कराई गई थी उसकी मजदूरी भी गरीब बुधराम से ही दिलवाई गई। साथ ही जो गेट लगाए गए थे उसका पैसा भी बुधराम से देने को कहा गया। भाई, गरीब बुधराम के परिवार का कहना है, यदि पहले हमें जानकारी होती कि इतनी महंगी गेट लगाते हैं तो हम ये सब सरकार नहीं देगी पैसा तो हम नहीं लगवाते। एसडीएम ने गोपाल वर्मा के संज्ञान में जब इस बात आई तो एसडीएम द्वारा बताया गया कि आदिवासी परिवार को कोई परेशान नहीं है, इसकी हम जांच करवाते हैं। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांगों को परंपरागत बनाना शिक्षा प्रक्रिया का लक्ष्य। डाइट में आईईडी प्रशिक्षण कार्यशाला में डीपीसी ने बीसीएस और सीएससी एवं एमआरसी को समझाइश कार्ययोजना का किया आयोजन। समावेशी शिक्षा के माध्यम से यह लक्ष्य तय किया गया कि सामान्य बच्चों के साथ ही दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। वही जो बच्चे स्कूल आने में असमर्थ हैं उनके घर पर ही शिक्षा प्रदान की जाए। मैदानी अमला शासन की इस मंशा को कार्य रूप देने के लिए सतत रूप से कार्य कर रहा है। यह बात जिला शिक्षा केंद्र के डीपीसी सीबी तिवारी ने डाइट रायसेन में चल रही 3 दिवसीय आईईडी प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। डाइट में जिला शिक्षा द्वारा विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित की जा रही समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन के लिए बीएसी सीएसी एवं एमआरसी के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए जन शिक्षक बीआरसी बीएसी को उन्मुखीकरण कराया जा रहा है कि वर्तमान में जो इस कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित होती हैं, उनकी देखभाल, उनकी आगे प्रगति के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इस संबंध में ये लोग सीख करके जाएंगे और प्रत्येक विद्यालय के शिक्षकों को समझाइश देंगे कि और उसका चिन्हांकन। अभी शिक्षकों को ये नहीं मालूम है कि विकलांगता कितने प्रकार की होती है, उसका चिन्हांकन करेंगे और उसके दैनिक क्रियाकलापों में क्या सुधार कर सकते हैं उसके लिए लाभान्वित करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।